साथ है। और मालूम है उसने एक संकल्प ले लिया है कि जिसका बेटा नग्न वदन रहता हो और मैं रंगीन कपड़े पहनूं, उसने रंगीन वस्त्रों का त्याग करके श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। वैदी सन्यासी का चोला चोला उन्होंने धारण कर लिया। वैदी बैरागर हो गई और एक भावना है उनकी कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम है यदि मैं घर चली गई और मेरे प्राण निकल गए तो मेरा जीना बेकार है। मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी कि बेटा सन्यासी था और तूने दीक्षा नहीं ली। उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज, पलट के नहीं देखा कि संपत्ति का क्या होगा, बंटवारे का क्या होगा। उन्होंने कह दिया कि सब कुछ मैंने छोड़ दिया, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, तुम्हारा संस्कार जाने। आज भी उस घर में कलह नहीं है, विवाद नहीं है, ध्यान रखना, शांति से वह परिवार जीता है। आपसे निवेदन है मेरा कि माँ के ऋणों से मुक्ति जिंदगी, माँ के इतने उपकार है हमारे ऊपर कि हमारी चमड़ी की जूतियां भी बनाकर पहनाओ तो माँ के ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं जीवन में। एक बेटा था, पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन गया, डॉक्टर बना दिया माँ ने, गहने बेच दिए, सब कुछ उसे दे दिया, लेकिन उस बेटे को बचपन से ही अपनी मां से नफरत थी। वो कहता था कि मां, तू जहां जाती है मेरी बेइज्जती होती है, क्योंकि मालूम है उसकी मां की एक आंख नहीं थी। मेरे भाई, मां सुंदर हो, मां बदसूरत हो, मां तो मां हुआ करती है, मां गोरी हो, मां काली हो, मां तो मां हुआ करती है। और हमारे देश में यदि सौंदर्य की देवी सीता को मां कहा जाता है तो मेरे देश में महिषासुर मर्दिनी रणचंडी काली को भी मां कह करके बुलाया जाता है। इतना विभत्स रूप होने के बाद भी उसे मां कहते हैं। मां तो मां होती है, मां कैसी भी हो, मां से सुंदर कौन होता है जगत में। उसने कहा, मां तू बार बार मेरे सामने मत आया कर, सुबह सुबह तेरा मुंह देखता हूं तो अशुभ हो जाता है। कहानी है तू, किस माँ के यहां मुझे जन्म दिया भगवान तूने, कौन से जन्म का अब बदला लिया। मित्र आते हंसते हैं, इसकी माँ कानी है। बच्चा बचपन से ही बाहर चला गया पढ़ने कि मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। एक दिन पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गया, माँ ने डॉक्टर बनाया। एक दिन माँ की इच्छा हुई कि चलो शहर में जाके बेटे से मिल लेते। जैसे ही बेटे से मिलने गई, बेटा ने कहा तू फिर आ गई, फिर ये मनुष्य शक्ल लेकर आ गई। हे गांव की कानी, मैं तुझे छोड़कर आया था, जा इसी वक्त गांव वापिस। फिर भी मां अपमान का घूंट पीकर चली आई। बहुत दिन बीते, बेटे के मन में न जाने क्या जगा। बोले चलो मां से अपन मिलके आते हैं गांव में। गांव गया अपनी पत्नी को लेकर। बरसों के बाद जाकर के अपना घर देखा, बेटे ने कहा कि यहां एक कानी रहती थी, वो कहां है। गांव वालों ने कहा कि जुबान पर लगाम दे पागल, वो कानी नहीं तेरी मां है। मां वो इस दुनिया से पढ़ाई लिखाई किस काम की कि बेटा मां बाप को अनादर से बोलने लगे। इससे अच्छे तो अनपढ़ होते हैं जो मां बाप का सम्मान किया करते हैं। बोले वो कहां है। बोले वो दुनिया से चली गई, उसकी मृत्यु हो गई। मौत हो गई उसकी। हाँ, बेटे ने कहा कि अब इस घर में कुछ नहीं। बोले हाँ, मरते समय चिट्ठी दे गई है मुझे। चिट्ठी दी, चिट्ठी पढ़ी, लड़के ने कलेजा फट गया उसका। उसने कहा बेटा, निश्चित तेरा दुर्भाग्य था कि मैं तुझे कानी मां मिली। मैं जीवन भर तेरे प्यार को तरसते रही, एक ही इच्छा थी कि अंत समय तुझे देख सकूं, लेकिन वो भी मेरे भाग्य में नहीं था। मुझे माफ करना बेटा, मैं तेरी आदर्श मां नहीं बन पाई, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई बेटा। मैं तेरी कानी मां हमेशा अशुभ और मनहूस रही बेटा, लेकिन जाने से पहले एक राज बताना चाहती हूं बेटा, हो सके तो तू मुझे माफ करना।
जो तू मुझे कानी कहता है ना, कानी मैं नहीं थी बेटा, काना तो तू पैदा हुआ था। और जब मैंने देखा कि मेरी जिंदगी तो कब खत्म हो जाए, मेरे बेटे को पूरा जीवन मिले, मैंने अपनी एक आंख तेरी आंख में लगवाई थी बेटा, काना कानी मैं नहीं, काना तो तू था। मैं सोचती थी कि मैं कानेपन का और असूपन का अपमान पी लूंगी। जो बातें तूने मुझसे बोली हैं, ये बातें यदि कोई तुझसे बोलता तो तू आत्महत्या कर लेता। लेकिन मैं चाहती थी मेरा बेटा जिंदा रहे, इस दुनिया की नजरों से नजरें मिला करके जिए। मुझे माफ करना बेटा, मैं तेरी आदर्श माँ तो नहीं बन पाई, एक आंख तुझे दे करके मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। फूट फूट करके रोया हूँ बेटा, कि धरती फट जाए तो माँ को निकालू, माँ माँ कह करके रो रहा है। अब कहाँ मिलेगी वह माँ? अरे माँ के उपकार कौन चुका सकता है इस धरती पर? शादी करके आते हो, एक पत्नी को ले आते हो, सास बहू में नहीं बनती हो बेटा, अलग हो जाता है माँ को। बहुओं से निवेदन है, किसी माँ से किसी का बेटा मत छीनो, वरना काल चक्र ऐसा आएगा कि कोई तुम्हारा भी बेटा छीन करके, वो माँ तुम्हें गृह लक्ष्मी बनाकर लाई है, वह सास तुम्हारी आरती उतारती है, तुम्हारी पूजा करती है। जिस माँ ने तुम्हें बहू बनाकर लाई, घर की लक्ष्मी बनाकर, तुमने उसका बेटा उससे छीन।